उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में थाना पुलिस की लापरवाही मानते हुए थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी अनोखे पूरे को निलंबित किया गया है और साथ ही मामले में 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी में जहरीली शराब पीने से कई लोग बीमार हो गए, जिसमें आज 5 लोगों की मौत हो गई है और इसके अलावा 15 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि शराब और आबकारी विभाग की सांठगांठ से जहरीली शराब बेची जा रही थी और घटना के बाद शराब माफिया कुलदीप फरार है। इधर बुलंदशहर की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अमरीश फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। अमरीश, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हुई है, बल्कि 16 लोग अभी भी गंभीर रूप से जी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। पहले ही चौकी इंचार्ज को और थाना इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीएम का चाबुक चल रहा है, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद है, उसी की तर्ज पर आज देखने को मिला जिस तरीके से बुलंदशहर की एक घटना है, जरूर एक और उत्तर प्रदेश के ऊपर कानून व्यवस्था पे एक और ये गहरी चोट है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार लखनऊ में जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे ताबड़तोड़ शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मौत पे मौत हो रही है, किसका जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार अधिकारी कौन, क्योंकि आबकारी की तरफ से भी लगातार ताबड़तोड़ चेकिंग के चलते भी उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं होना जरूर एक संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस तरीके की घटना से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य लोगों के बीच में जो मैसेज जा रहा है वो बहुत गलत है। अपराधियों के बीच में एक ऐसा मैसेज है कि कार्रवाई किस तरीके की हो रही है, कि लोगों के बीच में इस तरीके लोग जान गंवा रहे हैं शराब पीने के। बिल्कुल अमरीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो 15 लोग अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद।